जिज्ञासु बंधुओं, आज हम फिर आपके समक्ष कुछ तथ्य लेकर आए हैं। यद्यपि पिछले कुछ कार्यक्रम से वीडियोस में आप साकार निराकार की चर्चा सुनते हुए देवताओं की चर्चा सुन रहे थे, लेकिन आज का जो विषय है उस श्रृंखला से थोड़ा हटके है। पिछली श्रृंखला पर है, यद्यपि उस श्रृंखला को आगे बढ़ाई जाएगी, देवताओं के बाद पूजा पाठ कर्मकांड की चर्चा होगी, लेकिन आज का जो विषय है वो कुछ संशयों को लेकर, कुछ प्रश्नों को लेकर जो कि उठाए जाते हैं। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अपना मत मानने के लिए वो स्वतंत्र होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि वो क्या मानता है क्या नहीं मानता है, मानने को लिए तो आदमी कुछ भी मान सकता है, पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन उद्देश्य मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, एक होता है कि कोई बात कही गई और कोई बात नहीं कही गई, लेकिन जो नहीं कही गई हम उसको भी मान रहे हैं। कोई घटना घटी, कोई घटना नहीं घटी, तो ये आपके देखने का नजरिया है कि व्यक्ति किसी वस्तु को किस प्रकार से देखता है, आप उसमें क्या देखते हैं, कौन सी चीज देखते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। एक है कि आपका लक्ष्य है जैसे दिखाया जा रहा है आप उसको वैसे ही देखते हैं, या फिर आप कुछ लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि हमको यही देखना है, जो दिखाया जा रहा है हमको वो नहीं देखना, हमको तो ये चीज देखनी है। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है और उसके पीछे उनका क्या लक्ष्य है, कैसा लक्ष्य है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले उस विषय को स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में विषय क्या है। कई मित्रों ने कुछ तो जिज्ञासु, ऐसा नहीं कि सबने एक भावना से, कुछ तो जिज्ञासा की भावना से कुछ लोगों ने प्रश्न रखा मेरे समक्ष, प्रश्न रखा मेरे समक्ष, और कुछ लोगों ने उनके मन में जो विचार हैं, जिस विचारधारा से वो ग्रसित हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर नहीं मन ही बीमार रहता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दिस होल वर्ल्ड इज द लुनेटिक असाइलम, इस संपूर्ण संसार एक पागलखाने की तरह है, क्योंकि लोग अलग अलग तरह की विचारधारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस लोगों के हैं, तो उसके वशीभूत जो है वो अपना चलते हैं और उसके। लेकिन एक दृष्टिकोण होता है दृष्टा का दृष्टिकोण, दृष्टा, ठीक ना, तो एक दृष्टा, सीयर्स जिसको हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम सीयर्स, इंग्लिश में ऋषियों को सीयर बोला जाता है, ऋषि शब्द का ही अर्थ होता है दृष्टा, जो दृष्टा है, जो दृष्टा भाव से देखता है, जो साक्षी भाव से देखता है चीजों को। तो एक साक्षी भाव से देखना, दृष्टा के भाव से देखना, और एक है कि पक्षपाती भाव से किसी चीज को देखना, पक्षपाती दर्शन करना कि मैं तो किसी में देखूंगा तो यही चीज देखूंगा। अब उदाहरण के लिए हम ले सकते, मान लीजिए वस्तु है मेरे पास, एक ग्रंथ है, एक आप क्या कहोगे इसमें, ये किस रंग का है। अगर हम इसे कहें कि ये किस रंग का है तो आप कहेंगे कि भाई ये तो केसरिया रंग है, सैफ्रॉन, पीला और लाल का जो मिक्स करके जो बनता है केसरिया रंग, इस तरह से ये है। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं ये तो जो है काला, इस पे लिखा हुआ है ये काली लाइन एक इसमें है, आप ये भी कह सकते हैं इसमें, तो अब दुनिया को बताओ आप कि ये काली है। अब आप ये कहना शुरू कर दें इसमें एक लाइन यहां लिखी है तो ये काली है, तो ये काली तो नहीं हो जाएगी ना भैया, देखने से दिखाई दे रहा है कि ये क्या है। और यहां पर अगर काला लाइन लगाया गया है,
अगर इस स्थान पर कोई काली रेखा लगी हुई तो इस काली रेखा के लगाने के पीछे, काले अक्षर में लिखने के पीछे एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है। यह निराधार नहीं है। अगर इसमें काली रेखा खींची भी गई है तो यह निराधार नहीं है, या इसमें नीली पट्टी आ रही है तो यह निराधार नहीं है, उसका एक आधार है। ठीक, तो वैसे ही शास्त्रों में जो कुछ बातें लिखी गई उसका एक पहले तो एक मूल उद्देश्य था कि इस कारण से लिखी गई, एक ओनली वन मूल सिद्धांत था, एक उस कारण से ये बात लिखी गई। हाँ, अब उसको लिखने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए उसमें और भी कई आधार लिए गए, सामाजिक आधार लिए गए, नैतिक आधार लिए गए, ठीक, धार्मिक आधार लिए गए। तो कई जो आधार लिए गए वो आधार उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लिए गए, ना कि कोई दूसरा टॉपिक छेड़ा जा रहा है, कोई दूसरा विषय छेड़ा जा रहा है। ठीक, हाँ, फिर बाद में समय काल के अनुसार ग्रंथों में, शास्त्रों में कई प्रकार के बदलाव भी आए, बदलने की कोशिश की गई, दुस्साहस किया गया, उसे दुस्साहस ही कहा जाएगा। जब कोई, मैं इसको स्वीकार करता हूं और कई विद्वानों से चर्चा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सत्य है कि उसमें फेर बदल करने का प्रयास किया गया है। तो आइए चलते हैं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय यह है हमारा कि भाई ये कहा गया, किसी ने कहा गया कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, ये रामचरितमानस गीता प्रेस के द्वारा छापी हुई रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत ही गलत गलत बातें लिखी हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बन चुकी है। तो लोगों ने, जब मैंने वो वीडियो बनाई, कुछ लोगों ने देखा, किसी ने उसकी प्रशंसा की, किसी ने उसको कहा कि नहीं, ये सब पर्दा डालने वाली बात है। तो आज इस पर्दा डालने वाली बात पर ही हम पूरी तरह से आएंगे। और रामचरितमानस के अंदर, यद्यपि रामचरितमानस से पहले कई रामायण लिखे जा चुके थे, कंभ रामायण था, वाल्मीकि रामायण था, शायद समकालीन में ही या उससे पहले एकनाथ रामायण मराठी भाषा में लिखी गई, उड़िया भाषा में रामायण लिखी गई, कई भाषाओं में रामचरितमानस लिखे जाने के पहले लिखी गई, ये तो लगभग 500 वर्ष पहले लिखी गई है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य, सर्दी का मौसम हो रहा है। तो जो लिखी गई, जो बातें बताई गई, उसका उद्देश्य क्या था, मूलभूत उद्देश्य क्या था रामचरितमानस लिखने का, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो एक, जिसे हम कहते हैं नटशल, संक्षेप में वर्णन, सारांश देना उसका, वो क्या था, वो उद्देश्य क्या था, उसको हमने समझा या नहीं समझा। और रही बात पर्दा डालने की कि नहीं, इन सब बातों पे पर्दा डाला जाता है और वो किया जाता है, तो कई तरह की बातें उसकी चर्चा करते हैं। तो कुछ चौपाइयां रामचरितमानस से निकालकर कुछ लोगों ने कहा कि आपने ढोल गंवार शूद्र पशु पे बोला, लेकिन इसका उत्तर दीजिए कि ये रामायण के अंदर क्यों लिखा है, क्यों लिखा गया है। तो कई लोगों ने प्रश्न कर चुका है, यद्यपि YouTube चैनल पर भी कुछ लोगों ने प्रश्न किया, तो उनका उत्तर तो वहां पर दिया गया है, लेकिन सामूहिक रूप से सबको उत्तर देने के लिए हम ये वीडियो भी रिलीज कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि हर व्यक्ति इसको समझ ले और उसको जान ले। और ये भी बता देते हैं साथ में कि ये दिव्य सृजन समाज के चैनल से, मंच से आपको ये विचार दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है किसी को ना लगे, तो आप अपना तर्क रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो अरण्यकांड के अंदर चौपाई आती है एक, जिसको लेकर चर्चा हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे कि जातिवाद को लेकर क्या है? इसमें मुख्य रूप से जातिवाद पे ही प्रश्न था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी आपको बताया गया, सुंदरकांड के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन अरण्यकांड के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी एक चर्चा करते हैं। और वो चर्चा क्या है, आइए उसको समझते हैं। वो चर्चा है कि सापत ताड़त परम
पुरुष कहंता सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूजिए विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। चर्चा इस विषय को लेकर है कि तुलसीदास ने कहा पूजिए पूजिए विप्र शील गुणहीना शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अगर पूजना चाहिए उस विप्र पूजना चाहिए अगर कोई शील गुण से भी हीन विप्र हो तो उसकी पूजा कर लो, लेकिन किसी शूद्र की का शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। यहाँ बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। वो शूद्र है जो गुणगण जिसके पास तो गुण है ही नहीं है, ज्ञान ना हो, और अगर वो प्रवीण हो भी इन सबसे तो भी उसकी पूजा ना हो, उसको उसका सम्मानित ना किया जाए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वर्णन आता है। और साथ में उसके पहले सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता, ठीक ना, शाप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन का कहता हुआ भी विप्र की पूजा हो, विप्र की पूजा हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब ये इस बात तरह की बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी कहा था जब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की चर्चा पिछले वीडियो में कुछ पीछे वीडियो में जब अपलोड हुई थी तो उसमें भी कहा गया था कि उस प्रसंग को पढ़िए कि पूरा प्रसंग क्या है, वो पूरी कथा क्या चल रही है, किस संदर्भ में, क्योंकि ये तो कथा है ना भाई, कथा में अब कोई कहानी है तो कहानी के अंदर कोई पात्र है कोई कुपात्र है, इस तरह से चर्चाएं चलती हैं, तो राम है रावण है। तो यहां पर ये जो चर्चा चल रही है अरण्य कांड के अंदर, भगवान राम जब एक राक्षस का वध करते हैं, कबंध का वध होता है, और कबंध जो था वो राक्षस कैसे बन गया, उसे दुर्वासा ऋषि जी ने एक जगह पर, और तुलसीदास जी यहां पर लिखते हैं इसकी चर्चा करते हैं, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। तो भगवान को ब्रह्मकुल द्रोही पसंद नहीं है। अब ब्रह्मकुल कौन सा है, ब्रह्मकुल का अर्थ क्या है, अब जो कहने वाले हैं वो सीधा बोलते हैं ब्रह्मकुल मतलब ब्राह्मणों का कुल, ब्राह्मणों का कुल कहने से ब्रह्मकुल थोड़ी ना हो जाता है, ब्रह्मकुल ब्राह्मणों का कुल कहने से नहीं हो जाता है, ब्रह्मकुल अर्थात जो ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि मुनि और अत्रि मुनि के पुत्र थे दुर्वासा जी, और एक गंधर्व ने, कोई नीचे जाती है किसी शूद्र के व्यक्ति ने नहीं, एक गंधर्व ने, एक गंधर्व ने दुर्वासा जी से द्रोह किया, दुर्वासा जी का अपमान किया और उसे श्राप मिला असुर योनि में राक्षस बन जाने की, ऐसे नीच योनि में जाने का, क्योंकि ये कर्म का प्रधानता है, रामचरितमानस कर्म को प्रधानता देता है। और भारतीय दर्शन में भारतीय धरातल पर जितने भी धर्म विकसित हुए हैं, चाहे वो वैदिक हो या गैर वैदिक हो, चाहे वो बुद्ध से संबंधित हो, महावीर जैन से संबंधित हो, या फिर सिख से सिखिज्म जिसको हम कहते हैं, वो सब के सब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो यहां पर कबंध का पुनर्जन्म हुआ, राक्षस के रूप में वो चला गया और वो उसमें से, और उसको त्राण दिया, तो भगवान राम ने उसका वध करके त्राण दिया। फिर उसने अपनी बात बताई कि मैंने दुर्वासा जी के प्रति द्रोह किया था और उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दिया था और कहा था कि, फिर मैंने जब उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे वरदान भी दिया कि तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे और इससे मुक्ति मिलेगी, और आज मुझे मुक्ति मिल चुकी है। तो ये प्रसंग चल रहा है और उस प्रसंग के अंदर भगवान राम कहते हैं पूज्य विप्रशील गुरुंद। पहली बात तो जब आप रामचरित मानस पढ़ते हैं, इसलिए मैंने कहा जिन बंधुओं ने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें एक सलाह दी कि आप पूरा पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए। जब आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि रामचरित मानस में संत किसे कहा जाता है, रामचरित मानस में विप्र किसे कहा जाता है, विप्रों को संतों के अनुकूल माना गया है तो विप्र किसे कहा जाता है, ब्राह्मण कौन है संत कौन है। तो जब आप ये तथ्य जान लेंगे तो आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी, आपको इस बात से आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि तुलसीदास जी संत की भी चर्चा करते हैं असंत की भी चर्चा करते हैं। आपने ये तो पढ़ा लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा आपने, आपने ये नहीं पढ़ा, तुलसीदास जी कहते हैं जब संत असंत की चर्चा करते हैं, बंधु संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच का चुबरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि, उपजही एक संग जगमाही जलद जोग जिमे गुण बिलगाही, सुधा सुरासम साधु असाधु जनक एक जग जलद यगादु। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा
संत और असंत की चर्चा बताए, संत कौन होता है, असंत कौन होता है, तो आप इसको नहीं जानते, क्योंकि यहां पर कई जगह पर संत को विप्र भी लिखा गया है, संतों को ही विप्र लिखा गया है, किसी और को विप्र नहीं लिखा गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप जाति प्रथा पर आप धर्म ग्रंथों को उठाते हैं, मनुस्मृति को उठाते हैं, आप श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि श्रीमद् भगवद गीता और मनुस्मृति ये जन्मना जाति को नहीं मानती है। अगर मानती तो विश्वामित्र कभी ऋषि नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, वो कभी ब्राह्मण नहीं बन पाते। वशिष्ठ का जन्म भी शूद्र जन्म था, शूद्र में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो ब्राह्मण हो गए। वर्ण को मानता है, जाति जन्मना होती है, इसलिए वर्ण, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण की बात, वर्णाश्रम धर्म की बात है, ना कि जाति धर्म की बात है। ठीक, तो जब आप पहले ही जब उसका मूल ही हटा देते हैं, उसका आधार ही हटा देते हैं, तो फिर सब खत्म हो जाता है। तो एक विकृत मानसिकता है और कुछ नहीं है। और रामचरितमानस की जब बात आती है, तुलसीदास जी ने लिखा, ये अरण्यकांड की चौपाई। अब चलिए, अरण्यकांड के अंदर ही एक दूसरी चौपाई है। क्या चौपाई है? अरण्यकांड की समाप्ति जो होती है वो शबरी प्रसंग से होती है। और भगवान राम देवी शबरी के पास गए हैं। देवी शबरी कौन थी? भील जाति की थी। आज के टाइम में अगर आप उन्हें कैटेगरी करोगे तो ST शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, जो ST कैटेगरी में आएंगी देवी शबरी। और वो वहां पर भगवान राम गए हुए हैं और ST के शबरी के पास, देवी शबरी के पास जाकर उन पर कृपा करते हैं, उनके जूठे बेर भी खाते हैं। और जब जूठे बेर खाते हैं तो प्रश्न उठता है कि शबरी की कथा क्या आप जानते हैं पूरी तरह से? शबरी की कथा आती है कि देवी शबरी अपने घर को छोड़कर मतंग ऋषि के आश्रम में आ जाती है। और जब आती है और जब वहां पर मतंग ऋषि के साथ रहने वाले जो दूसरे ऋषि ब्राह्मण ऋषि थे, जब वो देखते हैं कि भाई कि नीच जाति की कन्या, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद जो उसको संस्कार मिलता है वो उसे वैश्य क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण बनाते हैं। जन्म से तो सभी शूद्र है। यास्क मुनि की ऋषा में ये लिखा गया है, जन्मना जायते शूद्र, वेदों के अंदर। तो जब इसकी चर्चा होती है, जब शबरी जाती है, तो सारे ऋषि कहते हैं कि भाई ये भील जाति की कन्या है और ये उम्र कोई बच्ची बिल्कुल नवजात तो है नहीं कि हम इसको मान लें कि इसका संस्कार हो सकता है, इसका तो अपने शूद्र जाति में संस्कार हो चुका होगा, तो इसलिए हम इसको कैसे स्वीकार करें। लेकिन मतंग ऋषि कहते हैं कि तुम ये देखते हो, लेकिन मैं शबरी की आत्मा को देखता हूं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। सारे ऋषि शबरी का और मतंग ऋषि दोनों का अपमान करते, उन्हें बहुत भला बुरा कहते और अपमान करके वहां से छोड़ के चले जाते, वो सारे ऋषि मुनि चले जाते। अब भगवान राम शबरी की कुटिया में जाते हैं, तो ये किसका अपमान है ये बताइए? ये उन ऋषियों का अपमान था जिन्होंने मतंग ऋषि और शबरी का अपमान किया और उनको त्याग कर चले गए, उनको भला बुरा कहा। वो सारे ऋषि हतप्रभ रह गए कि भाई देखो ये कैसे श्री राम आए, अयोध्या के राम एक भील जाति की वृद्धा स्त्री की कुटिया में जाकर उसके जूठे बेर खा रहे हैं, ये कैसा? लेकिन जब राम स्वयं चले गए तो उनको स्वीकार करने के अलावा कोई उन ऋषियों के पास कोई उपाय नहीं बचा था, उनको उसको स्वीकार करना ही था। इसलिए जब रामचरित्र की बात आती है ना, बड़ा विचित्र लगता है जब राम के चरित्र को कोई जातिवाद से जोड़ता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी उस स्थान पर क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर चर्चा है। आइए उसको देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि पहले से निकाला हुआ नहीं था। देवी शबरी कहती कि है प्रभु मैं तो अधम जाति की हूं, मैं तो नीच जाति की हूं। तो क्या तुलसीदास जी लिखते हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमय मैं मति मंद अधारी, अधम ते अधम अधि अति नारी तिनमय मैं मंद अधि अधारी कह रघुपति सुन भाम निभाता मानहू एक भगती के नाता। जब कहती कि मैं अधम हूं, हे प्रभु मैं अधम हूं और मंदमति हूं,
तो भगवान राम कहते हैं कि कह रघुपति सुनो भामनी बात है, तो किस जाति की है, तू नीच जाति की है या कौन सी जाति की है। मैं अधम जाति की, तो सबरी स्वयं को बोलती है अधम ते अधम अधम अति नारी। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री राम क्या उत्तर देते हैं, बहुत मायने रखता है। जब आप राम के ऊपर आक्षेप लगाते हो तो इसको पढ़ लिया करो। कह रघुपति सुन भामनी भाता, मानहूं एक भक्ति के नाता, मैं तो बस भक्ति का नाता मानता हूं। तुम किस जाति की हो, किस जाति के नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सनु सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कितना सुंदर लिख दिया गया, सारी जाति पाति को खत्म कर दिया। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कि अगर कोई जाति पाति से बहुत ऊंचा हो, धन बल से बहुत ऊंचा हो और अगर भक्तिहीन है तो वो व्यक्ति मुझे सुहाता नहीं है, वो सुहाने के योग्य नहीं है। क्या कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे बलहीन बादल जलहीन बादल व्यर्थ ही आकाश में फ्लो रहे, कोई उनका मतलब नहीं है उड़ने का क्योंकि जलहीन है। वैसे मुझे जाति पाति से मतलब नहीं, भगवान तू किस जाति की है किस जाति के नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस मतलब किस चीज से है, मुझे मतलब तुम्हारी भक्ति से है, भक्ति से। तो इसलिए रामचरितमानस फिर दूसरी चर्चा उत्तरकांड के कुछ चौपाइयों को लेकर की गई कि वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग का वर्णन करते हैं, और जब कलयुग का वर्णन करते हैं तो वो वहां पर भी कहते हैं कि भाई तेल ही कुम्हार। तो वहां पर एक बात ध्यान रखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में उस स्थान पर जहां पर कुछ जातियों का नाम लेते हैं तेली कुम्हार और कुछ जातियों का वहां ब्राह्मण का भी नाम आ जाता है साथ में, तो जब वहां पर नाम लेते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप प्रसंग पढ़िए। वो प्रसंग क्या है, वो जातिवाद का प्रसंग नहीं है, वो कलयुग का प्रसंग है कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा और हो रहा है, ये इसका वर्णन करते हैं ना कि जातिवाद का वर्णन करते हैं। तो उस प्रसंग को समझिए और फिर देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी उस विषय पर क्या लिखते हैं, उस कलयुग के बारे में वो किस तरह का वर्णन वो करते हैं। तो आइए हम उस चीज को भी देख लेते हैं और उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं ताकि जो संशय है दोष है वो दूर हो जाए। तो ये तुलसीदास जी यहां पर लिखते हैं, जे बरनाधम तेरी कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए होई सन्यासी। ठीक है, तो कलयुग के अंदर यहां पर चर्चा किसकी है, यहां पर बरनाधम तेली कुम्हार की चर्चा नहीं, यहां पर सन्यासी की चर्चा हो रही है कि होगा क्या कि कई लोग जो है वर्णाधम है, उनकी पत्नी मर गई, घर संपत्ति नष्ट गया, कोई घर लूट के चला गया या किसी तरह से धन का नुकसान हो गया, वो सन्यासी बन जाएंगे। इस तरह के सन्यासी, क्योंकि इसे सन्यास नहीं कहते ना, यही इसलिए तुलसीदास जी यहां सन्यास को स्पष्ट कर रहे हैं कि घर बार छोड़ देना ये कोई सन्यास नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाई होई सन्यासी, कि नारी मर गई ग्रह संपत्ति नष्ट गया, चलो भाई सन्यासी बन जाते, अब तो कुछ बचा नहीं, घूमना तीर्थों में घूमना शुरू कर देते हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, जो बरनाधम है वर्ण शंकर है, स्वपच किरात कोल करवारा, और इस तरह से वो चर्चा करते हैं और फिर वो आगे क्या लिखते हैं, ते विप्रहसन आप पूजा वही, उभय लोग जिन हाथ नशा वही, और वो विप्रो से अपनी पूजा करवाएंगे और उभय लोग निज हाथ नशा वही, लेकिन विप्र भी कैसे होंगे। तुलसीदास जी एक और बात लिखते हैं कि चलो ये तो भाई इनके बारे में कह दिया कि तेली कुम्हार चांडाल भील कोल कलवार आदि जो वर्ण से भी नीचे हैं, स्त्री के मर जाने पर सन्यास ले लेंगे। सन्यास का मतलब घर बार छोड़ना, इस परिवार का त्याग करना नहीं होता, सन्यास तो एक अवस्था है जहां पर सम की स्थापना होती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान में सम रहता है वो सन्यासी, जो सम की स्थापना करता है, जो ज्ञानी है, जो साक्षी भाव से इस संसार को देखता है वो सन्यासी है। आगे क्या लिखते हैं, ते विप्रन सन आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही, विप्र निरक्षर लोलुप कामे निराचार सट
ब्रशली स्वामी। तो तुलसीदास जी ने यहां ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा है, वो लिख रहे हैं कलयुग में ब्राह्मण कैसे होंगे, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निरक्षर होंगे, लोलुप होंगे और कामी होंगे। निराचार सठ ब्रशली, ब्रशली स्वामी मूर्ख और नीची जाति के व्यभिचारण स्त्रियों का स्वामी होंगे, निराचारी होंगे, आचरणहीन होंगे, निश्चर समान उनका भी व्यवहार हो जाएगा। तो तुलसीदास जी यहां कलयुग का वर्णन करते हैं तो क्यों दुखी होते हो, यहां तो उन्होंने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, कलयुग के ब्राह्मणों को भी उन्होंने कहा कि भाई वो इस तरह के हो जाएंगे कलयुग के प्रभाव से। तो ये कलयुग के प्रभाव का वर्णन है, ना कि जाति प्रथा का वर्णन है। और यहां पर किसी जाति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा कि प्रत्येक तरह के लोग का इस प्रकार से पतन होगा। और ये चर्चा भागवत महापुराण में भी, अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएगी कि इस तरह का पतन होगा। और वास्तव में देखने को अब समाज में घूमे तो आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो इसलिए विचार करने वाली बात है कि जाति प्रथा रामचरितमानस का उद्देश्य नहीं है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सुंदर कांड में गोस्वामी ने लिखा है सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन उपाय भजिए रघुवीर। और श्री राम कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। कि निर्मल मन जिसका है वो मुझे अच्छा लगता है, और जो नहीं है आप चाहे किसी भी जाति का, सोई पावन सोई सुभग शरीरा वो ऊंचा है, वो ऊंचा व्यक्ति है जो प्रभु की भक्ति में लीन है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन उपाय भजे रघुवीर, जो हरि का भजन, हरि राम रघुवीर ये एक ही तरह के भावनात्मक शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए आपकी दृष्टि में अगर दोष है, आपने रामचरितमानस इसलिए उठाई कि हमें यह निकालना है कि इसमें जातिवाद कहां पर है, राम के चरित्र में जातिवाद कहां। अरे भैया, राम जैसे ही अयोध्या से निकले सबसे पहले निषाद राज के पास गए, सबसे पहले निषाद राज। निषाद राज किस, अब जाति व्यवस्था के अंदर आज जिस जाति को मानते हो, हालांकि वो समय कुछ और था और उस समय में जाति प्रथा भी कुछ और थी, आज के तरह नहीं थी, जिस तरह से हम आज की चर्चा जातियों की चर्चा करते हैं वैसे नहीं थी। और निषाद किस जाति के हो सकते हैं आप सोच सकते हो, एससी कैटेगरी में आएंगे अगर आज के हिसाब से देखोगे तो। निषाद राज के पास गए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया, निषाद राज ने उनको भोजन कराया, उन्होंने भोजन भी स्वीकार किया। भगवान राम ने फिर कहा कि मेरे घर चलिए, मेरे घर में रहिए। तो भगवान राम ने कहा कि, श्री राम ने कहा कि नहीं, मुझे 14 वर्ष का वनवास है तो मैं किसी के घर में जाके नहीं रहूंगा, हाँ मैं इस वन में यहाँ पर हूँ, तो मैं जो लाकर मुझे करना है, मेरे लिए सेवा करनी है तुम कर सकते हो। और निषाद राज ने जो भी जल दिया, भोजन दिया, सब भगवान ने स्वीकार किया। उसके बाद गया तो केवट, तो केवट किस जाति का था, क्या बहुत ऊंची जाति का था वो भी, एससी अगर आज के आ जाओगे एससी एसटी कैटेगरी का डिवीजन में तो एससी कैटेगरी में चला जाएगा। गए, उसके हाथों से अपने चरण धुआए, उसका भी आतिथ्य स्वीकार किया, उसे अपने गले लगाया। उसके बाद जो जो मिलते जा रहे हैं, भाई मिल कौन रहा है। इसलिए जब राम के चरित्र पर आरोप लगता है, वो भी जातिवाद को लेकर, शंभूक वध की बात होती है उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में शंभूक की कथा नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो वाल्मीकि रामायण में मैं ये कहता हूं कि ये कथा जुड़ी हुई है, क्योंकि ये इसका कोई प्रसंगिक ही नहीं बनता, क्योंकि संपूर्ण रामायण राम और रावण से संबंधित है, राम रावण सीता, यही रामायण का पूरा विषय है। ये तीन लोगों से रामायण कहीं खाली नहीं है। एक धोबी जो कि शूद्र था, अगर आप वाल्मीकि रामायण की कथा मानते हैं, यद्यपि तुलसीदास जी उस कथा को नहीं लिखते कि सीता जी को किस प्रकार से राम जी ने वाल्मीकि आश्रम में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भेजा था। हाँ, ये बात फैलाई गई कि त्याग कर दिया, उसको त्याग नहीं कह सकते। आप किसी अपने परिवार के सदस्य को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजोगे तो उसे त्याग थोड़ी ना कहा जाएगा। भेजा था राम ने, लक्ष्मण जी को कहा था जाओ छोड़कर आओ वाल्मीकि आश्रम के पास। ठीक, तो ये घटना घटी थी। तो लेकिन समाज के सामने ये था कि हाँ त्यागा था, अयोध्या की जनता को यह दिखाना था। इसलिए श्री राम के ऊपर जब चर्चा चलती है तो यही लगता है कि बिल्कुल शंभू की कथा अप्रासंगिक नजर आती है। सीता जी को जब त्याग किया तो एक धोबी के कहने पर, और धोबी आज की, अगर आज की जाति व्यवस्था जो हमारे संविधान में लिखी गई है तो उसके अनुसार धोबी का किस कैटेगरी में जाएगा, एससी कैटेगरी में चले जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल अप्रासंगिक है शंभू की कथा। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी, भील जाति की थी, आज की कैटेगरी के अनुसार एसटी कैटेगरी में आ जाएगी।
श्री राम जानते थे मदन ऋषि ने स्वीकार किया है, शिष्या है, भील जाति की है, तपस्या करती है। अब तपस्या करती है तो शबरी का तो वध नहीं किया, हनुमान जी तपस्वी थे, हनुमान जी का तो वध नहीं हुआ, हनुमान जी भील जाति। अगर हनुमान जी को भी आज, अगर आज जो हम एससी एसटी जनरल क्या क्या ओबीसी बना के रखा है, अगर उस कैटेगरी में आप आओगे तो फिर आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे? हनुमान जी एसटी में, शेड्यूल ट्राइब में चले जाएंगे, आदिवासियों में उनकी गिनती होगी, तो ट्राइबल में उनकी गिनती होगी, तो ट्राइबल वो हो गए फिर तो, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको भगवान राम ने कुछ नहीं किया। विभीषण जी ने अपने विष्णु मंत्र का जाप कर रहे हैं, विष्णु चिन्ह अपने महल पर लगाए, उनके लिए कुछ नहीं किया, जटायु के लिए कुछ नहीं किया। और अचानक भगवान राम को कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि भाई वो शूद्र जाति का, तो वो उठे और वो उसको जाकर उन्होंने वध कर दिया। तो मेरा मानना, कई विद्वानों से मेरी और चर्चा इस विषय पर हुई है कि ये किसने, ये शंभू की जो कथा है ये जोड़ी गई है, और इसे किसने जुड़वाया है? लॉर्ड मैकाले ने जुड़वाया, लॉर्ड मैकाले ने जुड़वाया। किन किससे जुड़वाया है उसको तो संस्कृत आती नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत में लिखा है और वो भी वहां वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस का विषय नहीं है ये। तो किसने जुड़वाया है भाई, किससे जुड़वाया? तो वो जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं ना यहाँ पर, जो अभी कहा कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी, कलयुग के अंदर जो विप्र हो जाएंगे, जो ब्राह्मण हो जाएंगे, वो निरक्षर लोलुप कामी हो जाएंगे। तो उस तरह के लोगों को हायर कर जो विद्वान भी हैं और भ्रष्ट भी हैं, रावण विद्वान भी था और भ्रष्ट भी था, तो क्या विद्वान आदमी भ्रष्ट नहीं हो सकता? हो सकता है, ज्ञानी भ्रष्ट नहीं हो सकता, ज्ञानी और विद्वान होने में फर्क है। तो विद्वान भी है और भ्रष्ट भी है, तो वो अपने आप को बेच देता है, अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को भी ऐसे लोग धोखा देते। तो उन लोगों के माध्यम से कई जगहों पर ग्रंथों में फिर बदल करने के प्रयास किए गए हैं, कोशिश किए गए हैं, लेकिन ग्रंथ इतने परिपक्व थे, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, 18 अध्याय है, 7 श्लोक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। एक बात बहुत ही अच्छी है, आपको जितने भी आप सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे, साहित्य को पढ़ेंगे, वो सब एक सीक्वेंस में मिलेंगे, ये नहीं कि एक बात इधर तो एक बात उधर, ऐसे नहीं, आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, हर बात एक सीक्वेंस में चल रही है, अभी एक सिस्टम में चल रहा है, रामचरितमानस की रचना है, एक सिस्टम में चल रहा है, इसको चौपाइयां है, छंद है, दोहा है, अलग अलग तथ्यों को प्रकट करने के लिए दोहा, छंद, सुरठा, चौपाई का प्रयोग किया गया है। तो साहित्य कला है, तो इसलिए इसे महाकाव्य कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की। और संपूर्ण जो सार है, जो मैं पढ़ता हूं, कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास वेद विरोधी था, तुलसीदास का विरोध ब्राह्मणों ने भी किया, और लोग तो कह ही रहे कि तुलसीदास, और जो आज के टाइम में जो शूद्र जाति के, मतलब शूद्र या एससी एसटी की नेतागिरी करते हैं, यद्यपि हमारे देश में जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स जो इसकी नेतागिरी करते हैं वो सीधा कहते हैं तुलसीदास ने ये लिखा। अब तुलसीदास ने किसी को नहीं छोड़ा, जब वो कलयुग का वर्णन करते हैं, वो बस इतना कहना चाहते, मुझे जो लगता है इस ग्रंथ को पढ़कर, रामचरितमानस इसको पढ़ने के बाद मुझे जो लगता है, बस एक बात समझाई जा रही है कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, योग साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आप ऊंचे हैं, और अगर आप आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे, अगर आप भक्ति के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, अगर आप ईश्वर प्रेमी नहीं हैं, अगर आप ईश्वर मुखी नहीं हैं, तो आप नीच व्यक्ति हैं, आप गलत व्यक्ति हैं। चाहे आपका जन्म ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में, रावण का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, हनुमान जी का तो नहीं हुआ था, शबरी का तो जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, केवट का जन्म तो ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, निषाद राज का तो जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन भगवान राम ने उसको छोड़ा नहीं। अगर देखेंगे पुलस्त ऋषि, तो पुलस्त ऋषि जो थे वो अत्रि ऋषि के भाई, वो भी मानस पुत्र कहे जाते हैं, वेदों की रचना में उनका भी वो है, अत्रि मंडल के नाम से ऋग्वेद में एक मंडल है। तो पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्वा, विश्वा का पुत्र रावण, रावण भी ब्रह्म कुल का था। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और भगवान राम कह रहे हैं कि ब्रह्म कुल वालों से कोई द्रोह ना करे,
लेकिन रावण भी ब्रह्मकुल में था, पुलस्त ऋषि का पोता था। तो जब पुलस्त ऋषि का पोता हुआ तो फिर वो ब्रह्मकुल में उसका जन्म हो गया, लेकिन उसका वध उसके गुण के कारण, वो ईश्वर मुखी नहीं था, वो ईश्वर मुखी नहीं था। अगर ईश्वर मुखी होता तो सीता हरण की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो ईश्वर मुखी है, जो आध्यात्मिक हो जाता है, वो जात पात की बात ही नहीं करता भैया। इसलिए दिव्य सृजन समाज इस चैनल का उद्देश्य भी आध्यात्मिक संदेश को लोगों तक पहुंचाना है, हम आध्यात्मिक चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए रामचरितमानस के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताया कि सोई पावन सोई सुभग शरीर, वो पावन है, वो सुभग है, वो पवित्र है, वो उच्च है, जो ईश्वर मुखी है, जो आध्यात्मिकता में लगा है, जो भक्ति में लगा है, जो योग में लगा है, ईश्वर से जुड़ने में लगा हुआ है, उसके लिए साधना रत है, भक्ति रत है, वो पावन है, वो ऊंचा। और जो ये काम ना कर कर मात्र मोह माया की बातें करता है, मायावी बातें करता है, इधर उधर सांसारिक बातें करता है, संसार में सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है, सांसारिक माया के पीछे भाग रहा है, वो नीच व्यक्ति है। अब चाहे उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो, चाहे क्षत्रिय कुल में हुआ हो, चाहे वैश्य कुल में हुआ हो, चाहे शूद्र कुल में हुआ हो, जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, अगर वो आध्यात्मिकता से मतलब नहीं रखता तो वो नीच है। और अगर रामचरितमानस में ऊंच नीच की बस यही परिभाषा है, सोई पावन सोई सुभग शरीर, बस। इसके अलावा श्री रामचंद्र को नाम ना तो श्री राम को मतलब है, और ना इस तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं, ना उनको कोई मतलब है कि किसकी जाति कौन सी है और क्या जाति रखता। अगर भगवान का भक्त है, ईश्वर मुखी है और ईश्वर को जानता है, अंतर्मुखी है, हम राम को भी कब जानेंगे, रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्चरामेति कथ्यते। वो राम जो हमारी अंतरात्मा में रमण कर रहे हैं, वही तो शक्ति है, वही तो परम शक्ति है जो अवतार भी धारण करती है। तो वो किस प्रकार से घटित होता है, ये तो अवतारवाद का विषय है, किसी अन्य वीडियो में अवतारवाद की भी चर्चा अवश्य होगी। लेकिन आज का जो विषय था वो रामचरितमानस का सार क्या है, इसका सार बस यही है कि संत गुण गहन, संत गुणों को ग्रहण करते हैं, संत गुणों को ग्रहण करते हैं। इसलिए संतों का जो जिस प्रकार से सत्संग की महिमा जब वो लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड के अंदर, तो वो उसमें इसका वर्णन करते हैं कि संतों के जो गुण होते हैं, संत कैसे होते हैं और उनके गुण क्या होते हैं। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत असंत की भी यहां पर चर्चा की है, क्या बड़ा सुंदर लिखते हैं वो। लखी सुबेश जगबंचक जेऊ बेश प्रताप पुजहिं तेऊ, उगर अंत ना हो निबाहु काल नेम जिमि रावण राहु, कियहु कुबेश साधु सन मानो जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाभु लोकहु वेद विदित सब काहु। बड़ा सुंदर वर्णन है, कोई कुवेश भी धारण कर ले हनुमान जी, कोई वेश धारण करने से संत नहीं बनता, इन सब बातों को सारे पाखंड को तुलसीदास जी ने क्लियर किया कि कपड़ा पहनने से, भगवा पहन लिया, दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, इससे कोई संत नहीं बन जाता। इतना मार्मिक ग्रंथ, पाखंड को दूर करने वाला, व्यक्ति का मन साफ करने वाला, इससे कोई संतत्व प्रकट नहीं होता। कपड़े पहन लेने से वेश धारण, हनुमान जी और जामवंत जी संत थे लेकिन कभी उन्होंने कोई साधु वेश धारण नहीं किया था, ये तुलसीदास जी यहां पर चर्चा करते हैं। इसलिए संत कौन है, संत वही है जो गुणों को धारण करता है, और जो दोष को धारण करे उसे हम संत नहीं कहते हैं, उसे संत नहीं माना जाता। इसलिए एक मेरी नजर में और मेरे विचारों के अनुसार एक महान ग्रंथ है जो जाति प्रथा नहीं, जिसके अनुसार से ऊंच नीच बस वही है, जो ईश्वर भक्ति में रत है वो ऊंच है और जो ईश्वर भक्ति में रत नहीं है वो नीच है। जो मोह माया में रत है, जो छोटा बड़ा करने में लगा हुआ है, ऊंच नीच करने में लगा हुआ है, ठीक है, जो माया को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक, जितने भी आज के समय में जो जातिवाद की जो बातें करते हैं, नेतागिरी करते हैं जाति के नाम पर, वो कौन लोग हैं, लालची लोग हैं, माया लिप्त लोग हैं, तभी तो ऐसा कर रहे हैं।
ठीक है, और जो ईश्वर भक्ति में लीन है उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जो ईश्वर भक्ति में लीन और ईश्वर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, क्या क्या SC है, क्या ST है। भाई जो है तुम प्रभु की भक्ति करो। इसलिए दिव्य सृजन समाज का ये चैनल और इसके माध्यम से जो विचार सुन रहे हैं वो मात्र समाज को योग अध्यात्म भक्ति ज्ञान का मर्म समझाने के लिए है। अगर हम रामचरितमानस की चर्चा कर रहे हैं तो रामचरितमानस का अध्ययन उस पर एक अनुसंधान करने के बाद ही आपसे ये बात सारी बातें कही जा रही है। इसलिए हमारे अध्ययन के अनुसार, हमारे अनुसंधान के अनुसार रामचरितमानस का विषय जातिवाद नहीं है, रामचरितमानस का विषय भक्ति है, ज्ञान है, योग है, अध्यात्म है, ये इसका विषय है। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक नहीं कई चौपाइयों में अपने आप को स्पष्ट कर देते हैं, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। इसलिए विचार करना है, विचार करिए, अध्ययन करना है, पूरी तरह से इसको पढ़िए, अध्ययन कीजिए राम की महिमा। और राम के चरित्र के ऊपर भी मैंने आपको बोल दिया कि जो शंभू की कथा जो जोड़कर जो आरोप लगाई जाती है, पर्दा तो आप डाल रहे हो कि राम ने जो शबरी के जूठे बेर कलाए उस पर पर्दा डाल रहे हो, आप तो हनुमान जी की जाति में पर्दा डाल रहे हैं, आप तो हर बात पे पर्दा डाल रहे हैं और शंभू की कथा को आप उजागर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जुड़ी हुई कथा है एक षड्यंत्र के तहत, हमारे विचार अनुसंधान के अनुसार यही, और भी कई विद्वानों से चर्चा करके उसमें ये बात निकली है, कई विद्वानों से जो कि उच्च पद पर आसीन है तो उनसे बात करके निकली कि हाँ ये शंभू की कथा जुड़ी हुई कथा है। तो इसलिए मैं भी इसी बात पर टिकता हूँ कि ये जुड़ी हुई कथा है, ये कोई इसे वाल्मीकि जी ने लिखा, क्योंकि बनती नहीं ना बात। अगर शंभू का वध इसलिए हुआ कि शूद्र था, तपस्या करा, तो शूद्र तो शबरी भी थी, हनुमान जी भी थे, उसके पहले केवट भी थे, तो भाई उनको तपस्या और भक्ति करने की छूट कैसे हो सकती, उनका भी वध होना चाहिए था। ठीक, तो इस पर विचार कीजिए, आप राम के चरित्र पर भी विचार कीजिए। और हाँ, इससे संबंधित राम के अगर कोई प्रश्न रखते हैं तो उसके ऊपर विचार करके फिर आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आप इस पर जरूर विचार करें, सोचें और मनन करें, चिंतन करें, और जो लाभ उठा सकते हैं वो लाभ उठाएं। हमारा उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य भी जातिवाद नहीं है, और हम कहते हैं इस रामचरितमानस इस ग्रंथ का उद्देश्य भी जातिवाद नहीं है। इसको आप पूरा पढ़ें, सही से समझें, और कुछ प्रश्न करना है तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। इसी के साथ इस हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। इस चैनल से जुड़ें और लोगों तक सत्य पहुँचाएं, लोगों को पता चले कि सत्य क्या है। आज अध्यात्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां। देवता कौन होते हैं, ब्रह्म कौन होता है, ब्रह्म की उपासना क्या है, गुरु कौन होते हैं, सारे विषय हम लाएंगे एक एक करके। तो इसको समझने का प्रयास करें कि बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, बहुत सारी भ्रांतियां फैली, तो क्या भ्रांति फैल गई और क्यों फैलाई गई वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और यथार्थ क्या है, देवताओं की पूजा एक अलग विषय है, ब्रह्म की उपासना एक अलग विषय है, उसकी साधना एक अलग विषय है। दोनों साथ साथ हो सकते हैं, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस विषय को हम आगे के आने वाले वीडियोस में आपको बताए जाएंगे कि कर्म कांड क्या होता है उसका यथार्थ। जैसे देवताओं के बारे में बताया गया, निराकार साकार के बारे में बताया गया, पहले तो निराकार को बताया कि निराकार का यथार्थ है क्या। निराकार कह देना बहुत आसान है, लेकिन निराकार को सही मायने में समझना एक अलग विषय है। ठीक, तो ये हम इसको हम समझें और इस पर विचार करें। एक अच्छे विचारक, एक ईमानदार, एक निष्पक्ष भावना से हम अध्ययन करें तो यथार्थ समझ में आ जाएगा कि ग्रंथ शास्त्र, वैदिक ग्रंथ या सनातन ग्रंथ जो है वो क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए, बने रहिए और दूसरों को भी जोड़िए। इस चैनल के माध्यम से जो विचार मिल रहे हैं उसको जरूर दूसरों तक बताएं, खुद जानकारी प्राप्त करें, दूसरों को भी बताएं। तो इसी के साथ विराम देते हैं।